हाय गाइस, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीतरा होगा। आज मैं आपको डाइट बताऊंगी, ब्रेस्ट मिल्क कैसे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में मैं दिखाया था कि सप्लीमेंट्स कौन कौन से मैं यूज करती थी प्रिंस को दूध पिलाने के टाइम पे, जिससे मेरा मिल्क सप्लाई बढ़ा। उसके सप्लीमेंट मैंने पहले ही अपलोड कर दिए है, आप देख सकते हैं। आज मैं आपको पूरा फुल फ्लेश डाइट बताने वाली हूँ, क्या क्या मैंने डाइट प्रिंस को ब्रेस्ट फीड कराने के टाइम पे किए थे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका लाइक मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। हम सभी माए जानती है कि बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, पर कोई कोई माओ को अच्छे से दूध नहीं आता है। वो क्या क्या डाइट में ले सकती है जिसकी वजह से उनका जो दूध सप्लाई है बहुत अच्छी तरह से बढ़ सके, और मैंने लास्ट वीडियो में जो सप्लीमेंट बताया थे उसके साथ साथ वो भी ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको दूध ना आए तो आप फॉर्मुला मिल्क भी पिला सकते हैं। फॉर्मुला मिल्क पिलाने में कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि फॉर्मुला मिल्क कैसे बनाते हैं और क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए फॉर्मुला मिल्क बनाने और पिलाने में, वो भी आपको दिखाऊंगी। कौन कौन सी चीजें मैं डाइट में लेती हूँ जिसके वजह से मेरा जो ब्रेस्ट मिल्क है बहुत अच्छा है। मैं आपको 10 चीजें बताऊंगी जो मैं यूज करती हूँ, अभी भी यूज करती हूँ, जिसके वजह से मेरा जो ब्रेस्ट मिल्क है बहुत अच्छा है। मैं अपने चैनल पे जो भी चीजें बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो जो मैंने अपने बच्चों पे आजमाया है, जो मैंने आजमाए है, सारे अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए देखते आगे क्या क्या चीजें मैंने डाइट में लिया है। ब्रेस्ट फीड कराते समय सबसे पहली चीज है कि माओ को हमेशा हाइड्रेटेड रहना चाहिए। ब्रेस्ट मिल्क में 80% पानी होता है, इस वजह से आपको कम से कम 3 लीटर पानी पीना ही है रोज। जब तक आप दूध पिला रहे तब तक कैल्शियम की दवाइयाँ लेनी है। दवाइयों के साथ साथ आहार में भी कैल्शियम की चीजें ले। दूध में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, इसलिए 1 लीटर दूध आपको पीना है। अगर आपको दूध नहीं पसंद है पीना, उसके अंदर कोई भी फ्लेवर ऐड कर दे, जैसे चॉकलेट हो गया या कोई और फ्लेवर, या फिर दूध में वुमेन हॉर्लिक्स डाल दे या फिर उसका रूह अफ़ज़ा बना ले। इससे आपके पेट में दूध जाएगा और कैल्शियम भी बनेगा। या फिर आप दही ले ले खाने में, दही आप कैसे भी ले सकते हैं। आप चाहे तो दही का रायता खा सकते हैं, दही वड़ा खा सकते हैं, या फिर तड़के वाली दही खा सकते हैं आप, या फिर दही का छाछ बना ले। आप डेयरी प्रोडक्ट के सारे चीज़ें खा सकते हैं, आप चाहे तो लस्सी बना के पी ले। अगर आपको ये सब नहीं पसंद है, पनीर खाना पसंद है, तो पनीर ले। और चीज़ में भी बहुत सारा कैल्शियम होता है, चीज़ आप रोटी पे लगा के खाए, कैसे भी सेवन करें, चीज़ तो टेस्टी लगता ही है, उसके साथ साथ कैल्शियम भी मिलता है आपको। आप इसके साथ साथ बटर भी ले सकते हैं, बटर भी कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। कैल्शियम के साथ साथ आप आयरन की भी गोलियां लेते रहेंगे अपने प्रेगनेंसी के टाइम से ही, वो भी कंटिन्यू रखें जब तक आप दूध पिला रहे हो बच्चे को। चलिए देखते हैं आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होती है। पालक, हरी सब्जियों में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ आप हरी सब्जियां खाएंगे तो आपको मिनरल्स भी मिलेंगे और साथ में इसमें फाइबर होने की वजह से आपका पेट भी साफ रहेगा। आप मेथी की सब्जी बनाकर खाएं, मेथी से दूध ज़्यादा बनता है। मेथी के लड्डू बना के खाएं, मेथी के दाने से और दूध बनता है। आप जीरा भी ले सकते हैं, हर खाने में जीरा डालें, जीरा से भी दूध बनता है। अब गाजर ले, गाजर में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, बीटरूट में भी होती है, आप इसका जूस भी बनाकर पी सकते हैं, इससे आपका खून भी बढ़ेगा। सीजन के हिसाब से आपको सारी सब्जियां लेनी है, जैसे मटर हो गया, फूलगोभी हो गई, आलू हो गया, टमाटर हो गया, अब सारी सब्जियां खाए। बैंगन और पम्पकिन, कटहर जैसी सब्जियां है वो बाद में खाइएगा, क्योंकि इससे गैसेस बनती है और बच्चे को तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा आप प्रोटीन्स भी ले, प्रोटीन से बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, इससे बोन्स बनती है और बहुत सारी चीज़ें बनती है बच्चे के शरीर में। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सोयाबीन खाएं, सोयाबीन में बहुत सारे प्रोटीन्स रहता है। दालें खाएं, शुरुआती दौर में चने की दाल और राजमा मत खाइएगा, क्योंकि उससे गैसेस बनती है और बच्चे को तकलीफ हो सकती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो रोज 2 अंडा जरूर खाएं और फिश भी जरूर ले। इसके साथ साथ आप ड्राई फ्रूट ले, ड्राई फ्रूट खाओगे तो आपको सारे मिनरल्स, विटामिन सब मिल जाएगा एक साथ।
ड्राई फ्रूट्स का एक कंप्लीट आहार है, आप फ्रूट्स भी ले, रोज एक दो फ्रूट्स खाए। फ्रूट्स खाने से आपका भी सेहत अच्छा रहेगा और आपके बच्चे का भी, और दूध का जो सप्लाई है बहुत अच्छा बनेगा। आप फ्रूट सलाद बना के खा सकते हैं या फिर फ्रूट का जूसेस पिए, मैं तो जूसेस ही पीती हूँ, ग्रेप जूस या फिर कोई भी जूस आप पी सकते हैं। आप एंड तक देखते रहे मेरा वीडियो, इसके लिए धन्यवाद। मैं यहीं पे अपना व्लॉग खत्म करती हूँ। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और आगे आने वाले वीडियोस आपको कैसे चाहिए वो भी कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट का रिप्लाई करूं और उस पर वीडियो जरूर बनाऊं। तो धन्यवाद आज के लिए, बाय।